हम जिक्र करना चाह रहा हूं, हज कमेटी के सीईओ का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था, उसके बावजूद भी एक परमानेंट सीईओ को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं वहां पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। सीईओ नहीं रहने की वजह से वहां के अहदेदारों ने मीना मुजदलफा अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1,00,000 रुपया रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, सीएसएस रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक अहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हज़ार तनख्वाह पर, गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि सीबीआई के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम अहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए, हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए। मेरा हुकूमत से मुतालबा है।